नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बजूद मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। धन्यवाद। बजूद 1998 फिल्म। बजूद अंग्रेजी अस्तित्व 1998 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण एन चंद्रा ने किया है। फिल्म में नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक एन चंद्रा द्वारा लिखित एन चंद्र कमलेश पांडे। संवाद कहानी द्वारा एन चंद्रा द्वारा निर्मित जयश्री एन चंद्र। एन चंद्र अभिनीत नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, राम्या कृष्णन। छायांकन WUV राय द्वारा संपादित प्रशांत खेड़कर। विनोद नायक संगीत दिया है अनु मलिक। बैकग्राउंड स्कोर राजू राय द्वारा वितरित एशियाई वीडियो थोक व्यापारी। रिलीज की तारीख 11 दिसंबर 1998। देश भारत। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 9,75,00,000। भूखंड मल्हार नाना पाटेकर, जो एक गरीब टाइपिस्ट क्लर्क के घर पैदा हुआ एक बहुमुखी चरित्र है, जो नाटकों में ट्रॉफियां जीतता है लेकिन उसके पिता द्वारा कभी भी सराहना नहीं की जाती है। अपने कॉलेज में नाटक लिखते और निर्देशित करते समय वह एक बहुत अमीर लड़की अपूर्व माधुरी दीक्षित से मिलता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। जब वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतती है तो वह मल्हार को मंच पर बुलाती है और सारा श्रेय उसे देती है। मल्हार इस इशारे को गलत समझ लेता है कि वह अपूर्वा से प्यार करता है। इस बीच अपूर्व और निहाल मुकुल देव को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। निहाल के पिता, जो एक अमीर नौकरशाह है, उनकी शादी करने का फैसला करते हैं। मल्हार को लगता है कि यह शादी अपूर्वा की मर्जी के खिलाफ है और उसके विरोध में निहाल के पिता की गलती से मौत हो जाती है। मल्हार को जेल भेज दिया गया है। जैसे ही निहाल अपने पिता की मृत्यु के कारण अपनी पहचान और हैसियत खो देता है, अपूर्व के पिता ने निहाल के साथ उसकी सगाई तोड़ दी। जेल में मल्हार अपने दिन अपूर्व के बारे में सोचने, उससे शादी करने, एक बच्चा होने और अपने पिता के साथ खुशी से रहने में बिताता है। सभी एक परिवार में मल्हार जेल से भाग जाता है और फिर गलत तरीकों से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देता है। वह अमीर महिलाओं को बेला फुसलाकर फिर लूटना शुरू कर देता है। उसे सोफिया राम्या कृष्णन में एक साथी मिलता है, जो इन अपराधों में उसकी मदद करता है। वह उसे पागलों की तरह प्यार करने लगती है, लेकिन वह अपूर्वा से प्यार करना जारी रखता है। निहाल, जो अब एक पुलिस अधिकारी है, प्यार में अजनबी हत्यारे के रहस्य को समझाने के लिए अब एक पत्रकार अपूर्वा से मिलता है। पुलिस आयुक्त शिवाजी साटा में अपराधी को पकड़ने के लिए स्थानीय राजनीतिक नेता और जनता के बहुत दबाव में है। जब सोफिया को पता चलता है कि मल्हार उससे प्यार नहीं करता लेकिन अपूर्व से प्यार करता है, तो वह बहुत परेशान होती है और खुद को मार लेती है। अंत में जब मल्हार अपूर्वा के सामने आता है तो वह उसे कहती है कि वह उसे कभी प्यार नहीं करती। दिल टूटा हुआ मल्हार फिर पकड़ा जाता है और अंत में नाटकीय रूप से मर जाता है। डालना नाना पाटेकर, मल्हार गोपालदास अग्निहोत्री और लेखकर राठी के रूप में अपूर्व चौधरी के रूप में माधुरी दीक्षित। मुकुल देव निहाल जोशी के रूप में शालिनी ऑब्लिक सोफिया ऑब्लिक अमीना ट्विंस ट्रिपल रोल के रूप में राम्या कृष्णन।
जॉनी लीवर इंस्पेक्टर रहीम खान के रूप में, मल्हार के पिता गोपाल दास, रागा दास अग्निहोत्री के रूप में डॉक्टर हेमू अधिकारी, श्रीमती अभिजीत जोशी के रूप में सुहास जोशी, जगदीप के रूप में बाघ सिंह, श्रीमती चावला के रूप में कुरिका, कंचन के रूप में संजय मिश्रा, कैमरा ऑपरेटर परीक्षित सहानी, अभिजीत जोशी के रूप में निहाल के पिता, एक विशेष भूमिका में तेज सपूर, अपूर्वा के बॉस के रूप में मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में शिवाजी साटम, राजीव वर्मा, श्री चौधरी के रूप में अपूर्वा के पिता गुलजार, खुद के रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करते हुए अतिथि भूमिका में फिल्म में राजदत्त, गिक्की ग्रेवाल, पुष्पा वर्मा, गीता शंकर, राजेश सिंह, पप्पू भार्गव, धनंजय और दिलावर खान भी हैं। गीत संगीत सभी गाने अनु मलिक द्वारा रचित हैं और जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक और हम तुम, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो कैसे बताऊँ मैं, इस गाने को नाना पाटेकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन की टूट गई तड़क करके, इस गाने को सपना अवस्थी और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं क्या करूं, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच मैं सोचता हूं तुम्हारी, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः सनम तुम हम पे मरते हो, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको बजूद मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। धन्यवाद। बजूद 1998 फिल्म बजूद अंग्रेजी अस्तित्व 1998 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण एन चंद्रा ने किया है। फिल्म में नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक एन चंद्रा द्वारा लिखित एन चंद्र कमलेश पांडे, संवाद कहानी द्वारा एन चंद्रा द्वारा निर्मित जय श्री एन चंद्र, एन चंद्र अभिनीत नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, राम्या कृष्णन, छायांकन WUV राय द्वारा संपादित, प्रशांत खेड़कर, विनोद नायक संगीत दिया है, अनु मलिक बैकग्राउंड स्कोर राजू राय द्वारा वितरित, एशियाई वीडियो थोक व्यापारी, रिलीज की तारीख 11 दिसंबर 1998, देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 9,75,00,000, भूखंड मल्हार नाना पाटेकर जो एक गरीब टाइपिस्ट किलर के घर पैदा हुआ एक बहुमुखी चरित्र है जो नाटकों में ट्रॉफियां जीतता है लेकिन उसके पिता द्वारा कभी भी सराहना नहीं की जाती है। अपने कॉलेज में नाटक लिखते और निर्देशित करते समय वह एक बहुत अमीर लड़की अपूर्व माधुरी दीक्षित से मिलता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। जब वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतती है तो वह मल्हार को मंच पर बुलाती है और सारा श्रेय उसे देती है।
मल्हार इस इशारे को गलत समझ लेता है कि वह अपूर्वा से प्यार करता है। इस बीच अपूर्व और निहाल मुकुल देव को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। निहाल के पिता, जो एक अमीर नौकरशाह है, उनकी शादी करने का फैसला करते हैं। मल्हार को लगता है कि यह शादी अपूर्वा की मर्जी के खिलाफ है और उसके विरोध में निहाल के पिता की गलती से मौत हो जाती है। मल्हार को जेल भेज दिया गया है। जैसे ही निहाल अपने पिता की मृत्यु के कारण अपनी पहचान और हैसियत खो देता है, अपूर्व के पिता ने निहाल के साथ उसकी सगाई तोड़ दी। जेल में मल्हार अपने दिन अपूर्व के बारे में सोचने, उससे शादी करने, एक बच्चा होने और अपने पिता के साथ खुशी से रहने में बिताता है। सभी एक परिवार में मल्हार जेल से भाग जाता है और फिर गलत तरीक़ों से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देता है। वह अमीर महिलाओं को बेला फुसला कर फिर लूटना शुरू कर देता है। उसे सोफिया राम्या कृष्णन में एक साथी मिलता है जो इन अपराधों में उसकी मदद करता है। वह उसे पागलों की तरह प्यार करने लगती है, लेकिन वह अपूर्वा से प्यार करना जारी रखता है। निहाल, जो अब एक पुलिस अधिकारी है, प्यार में अजनबी हत्यारे के रहस्य को समझाने के लिए अब एक पत्रकार अपूर्वा से मिलता है। पुलिस आयुक्त शिवाजी साटा में अपराधी को पकड़ने के लिए स्थानीय राजनीतिक नेता और जनता के बहुत दबाव में है। जब सोफिया को पता चलता है कि मल्हार उससे प्यार नहीं करता लेकिन अपूर्व से प्यार करता है, तो वह बहुत परेशान होती है और खुद को मार लेती है। अंत में जब मल्हार अपूर्व के सामने आता है तो वह उसे कहती है कि वह उसे कभी प्यार नहीं करती। दिल टूटा हुआ मल्हार फिर पकड़ा जाता है और अंत में नाटकीय रूप से मर जाता है। डालना नाना पाटेकर, मल्हार, गोपालदास, अग्निहोत्री और लेखकर मराठी के रूप में अपूर्व चौधरी के रूप में माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, निहाल जोशी के रूप में शालिनी ऑब्लिक सोफिया ऑब्लिक अमीना ट्विंस, ट्रिपल रोल के रूप में राम्या कृष्णन, जॉनी लीवर इंस्पेक्टर रहीम खान के रूप में मल्हार के पिता गोपालदास, रागादास अग्निहोत्री के रूप में डॉक्टर हेमू अधिकारी, श्रीमती अभिजीत जोशी के रूप में सुहास जोशी, जगदीप के रूप में बॉक्सिंग, श्रीमती चावला के रूप में कुनिका, कंचन के रूप में संजय मिश्रा, कैमरा ऑपरेटर परीक्षित सहानी, अभिजीत जोशी के रूप में निहाल के पिता, एक विशेष भूमिका में तेज सपूर, अपूर्वा के बॉस के रूप में मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में शिवाजी साटम, राजीव वर्मा, श्री चौधरी के रूप में अपूर्व के पिता गुलजार, खुद के रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करते हुए अतिथि भूमिका में फिल्म में राजदत्त, किकी ग्रेवाल, पुष्पा वर्मा, गीता शंकर, राजेश सिंह, पप्पू भार्गव, धनंजय और दिलावर खान भी हैं। गीत संगीत सभी गाने अनु मलिक द्वारा रचित हैं और जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक और हम तुम, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो, कैसे बताऊँ मैं, इस गाने को नाना पाटेकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन, की टूट गई तड़क करके, इस गाने को सपना अवस्थी और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार, मैं क्या करूं, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच, मैं सोचता हूं तुम्हारी, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः, सनम तुम हम पे मरते हो, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम
और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बजूद मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। धन्यवाद। बजूद 1998 फिल्म। बजूद अंग्रेजी अस्तित्व 1998 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण एन चंद्रा ने किया है। फिल्म में नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक एन चंद्रा द्वारा लिखित एन चंद्र कमलेश पांडे, संवाद कहानी द्वारा एन चंद्रा द्वारा निर्मित जयश्री एन चंद्र, एन चंद्र अभिनीत नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, राम्या कृष्णन, छायांकन WUV राय द्वारा संपादित प्रशांत खेड़कर, विनोद नायक, संगीत दिया है अनु मलिक, बैकग्राउंड स्कोर राजू राय द्वारा वितरित एशियाई वीडियो थोक व्यापारी। रिलीज की तारीख 11 दिसंबर 1998। देश भारत। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 9,75,00,000। भूखंड मल्हार नाना पाटेकर, जो एक गरीब टाइपिस्ट क्लर्क के घर पैदा हुआ एक बहुमुखी चरित्र है, जो नाटकों में ट्रॉफियाँ जीतता है लेकिन उसके पिता द्वारा कभी भी सराहना नहीं की जाती है। अपने कॉलेज में नाटक लिखते और निर्देशित करते समय वह एक बहुत अमीर लड़की अपूर्व माधुरी दीक्षित से मिलता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। जब वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतती है तो वह मल्हार को मंच पर बुलाती है और सारा श्रेय उसे देती है। मल्हार इस इशारे को गलत समझ लेता है कि वह अपूर्वा से प्यार करता है। इस बीच अपूर्व और निहाल मुकुल देव को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। निहाल के पिता, जो एक अमीर नौकरशाह है, उनकी शादी करने का फैसला करते हैं। मल्हार को लगता है कि यह शादी अपूर्वा की मर्जी के खिलाफ है और उसके विरोध में निहाल के पिता की गलती से मौत हो जाती है। मल्हार को जेल भेज दिया गया है। जैसे ही निहाल अपने पिता की मृत्यु के कारण अपनी पहचान और हैसियत खो देता है, अपूर्व के पिता ने निहाल के साथ उसकी सगाई तोड़ दी। जेल में मल्हार अपने दिन अपूर्व के बारे में सोचने, उससे शादी करने, एक बच्चा होने और अपने पिता के साथ खुशी से रहने में बिताता है। सभी एक परिवार में मल्हार जेल से भाग जाता है और फिर गलत तरीकों से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देता है। वह अमीर महिलाओं को बेला फुसलाकर फिर लूटना शुरू कर देता है। उसे सोफिया राम्या कृष्णन में एक साथी मिलता है, जो इन अपराधों में उसकी मदद करता है। वह उसे पागलों की तरह प्यार करने लगती है, लेकिन वह अपूर्वा से प्यार करना जारी रखता है। निहाल, जो अब एक पुलिस अधिकारी है, प्यार में अजनबी हत्यारे के रहस्य को समझाने के लिए अब एक पत्रकार अपूर्वा से मिलता है। पुलिस आयुक्त शिवाजी साटा में अपराधी को पकड़ने के लिए स्थानीय राजनीतिक नेता और जनता के बहुत दबाव में है। जब सोफिया को पता चलता है कि मल्हार उससे प्यार नहीं करता लेकिन अपूर्व से प्यार करता है, तो वह बहुत परेशान होती है और खुद को मार लेती है। अंत में जब मल्हार अपूर्वा के सामने आता है तो वह उसे कहती है कि वह उसे कभी प्यार नहीं करती। दिल टूटा हुआ मल्हार पे पकड़ा जाता है और अंत में नाटकीय रूप से मर जाता है। डालना नाना पाटेकर, मल्हार गोपालदास, अग्निहोत्री और लेखकर मराठी के रूप में अपूर्व चौधरी के रूप में माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, निहाल जोशी के रूप में शालिनी अवलिक सोफिया अवलिक अमीना ट्विंस, ट्रिपल रोल के रूप में राम्या कृष्णन, जॉनी लीवर इंस्पेक्टर रहीम खान के रूप में मल्हार के पिता गोपालदास, रागादास अग्निहोत्री के रूप में डॉक्टर हेमू अधिकारी, श्रीमती अभिजीत जोशी के रूप में सुहास जोशी, जगदीप के रूप में बाघ सिंह, श्रीमती चावला के रूप में कुरिका, कंचन के रूप में संजय मिश्रा, कैमरा ऑपरेटर
परीक्षित साहनी अभिजीत जोशी के रूप में निहाल के पिता, एक विशेष भूमिका में तेज सपूर अपूर्वा के बॉस के रूप में, मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में शिवाजी साटम, राजीव वर्मा श्री चौधरी के रूप में अपूर्व के पिता गुलजार, खुद के रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करते हुए अतिथि भूमिका में फिल्म में राजदत्त, गिक्की ग्रेवाल, पुष्पा वर्मा, गीता शंकर, राजेश सिंह, पप्लू भार्गव, धनंजय और दिलावर खान भी हैं। गीत संगीत सभी गाने अनु मलिक द्वारा रचित हैं और जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक और हम तुम, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो कैसे बताऊँ मैं, इस गाने को नाना पाटेकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन की टूट गई तड़क करके, इस गाने को सपना अवस्थी और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं क्या करूं, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच मैं सोचता हूं तुम्हारी, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः सनम तुम हम पे मरते हो, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको बजूद मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। धन्यवाद। बजूद 1998 फिल्म बजूद अंग्रेजी अस्तित्व 1998 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण एन चंद्रा ने किया है। फिल्म में नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक एन चंद्रा द्वारा लिखित एन चंद्र कमलेश पांडे, संवाद कहानी द्वारा एन चंद्रा द्वारा निर्मित जय श्री एन चंद्र, एन चंद्र अभिनीत नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, राम्या कृष्णन, छायांकन WUV राय द्वारा संपादित, प्रशांत खेड़कर, विनोद नायक, संगीत दिया है अनु मलिक, बैकग्राउंड इसको राजू राय द्वारा वितरित, एशियाई वीडियो थोक व्यापारी, रिलीज की तारीख 11 दिसंबर 1998, देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 9,75,00,000, भूखंड मल्हार नाना पाटेकर जो एक गरीब टाइपिस्ट किलर के घर पैदा हुआ एक बहुमुखी चरित्र है जो नाटकों में ट्रॉफियां जीतता है, लेकिन उसके पिता द्वारा कभी भी सराहना नहीं की जाती है। अपने कॉलेज में नाटक लिखते और निर्देशित करते समय वह एक बहुत अमीर लड़की अपूर्व माधुरी दीक्षित से मिलता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। जब वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतती है तो वह मल्हार को मंच पर बुलाती है और सारा श्रेय उसे देती है। मल्हार इस इशारे को गलत समझ लेता है कि वह अपूर्वा से प्यार करता है। इस बीच अपूर्व और निहाल मुकुल देव को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। निहाल के पिता जो एक अमीर नौकरशाह है उनकी शादी करने का फैसला करते हैं। मल्हार को लगता है कि यह शादी अपूर्वा की मर्जी के खिलाफ है और उसके विरोध में निहाल के पिता की गलती से मौत हो जाती है।
मल्हार को जेल भेज दिया गया है। जैसे ही नयाल अपने पिता की मृत्यु के कारण अपनी पहचान और हैसियत खो देता है, अपूर्व के पिता ने नयाल के साथ उसकी सगाई तोड़ दी। जेल में मल्हार अपने दिन अपूर्व के बारे में सोचने, उससे शादी करने, एक बच्चा होने और अपने पिता के साथ खुशी से रहने में बिताता है। सभी एक परिवार में मल्हार जेल से भाग जाता है और फिर गलत तरीकों से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देता है। वह अमीर महिलाओं को बेला फुसलाकर फिर लूटना शुरू कर देता है। उसे सोफिया राम्या कृष्णन में एक साथी मिलता है जो इन अपराधों में उसकी मदद करता है। वह उसे पागलों की तरह प्यार करने लगती है, लेकिन वह अपूर्वा से प्यार करना जारी रखता है। निहाल, जो अब एक पुलिस अधिकारी है, प्यार में अजनबी हत्यारे के रहस्य को समझाने के लिए अब एक पत्रकार अपूर्वा से मिलता है। पुलिस आयुक्त शिवाजी साटामी अपराधी को पकड़ने के लिए स्थानीय राजनीतिक नेता और जनता के बहुत दबाव में है। जब सोफिया को पता चलता है कि मल्हार उससे प्यार नहीं करता लेकिन अपूर्व से प्यार करता है, तो वह बहुत परेशान होती है और खुद को मार लेती है। अंत में जब मल्हार अपूर्व के सामने आता है तो वह उसे कहती है कि वह उसे कभी प्यार नहीं करती। दिल टूटा हुआ मल्हार फिर पकड़ा जाता है और अंत में नाटकीय रूप से मर जाता है। डालना नाना पाटेकर, मल्हार, गोपालदास, अग्निहोत्री और लेखकर मराठी के रूप में अपूर्व चौधरी के रूप में माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, निहाल जोशी के रूप में शालिनी ऑब्लिक सोफिया ऑब्लिक अमीना ट्विंस, ट्रिपल रोल के रूप में राम्या कृष्णन, जॉनी लीवर इंस्पेक्टर रहीम खान के रूप में मल्हार के पिता गोपालदास, राघव दास, अग्निहोत्री के रूप में डॉक्टर हेमू अधिकारी, श्रीमती अभिजीत जोशी के रूप में सुहास जोशी, जगदीप के रूप में बॉक्सिंग, श्रीमती चावला के रूप में कुनिका, कंचन के रूप में संजय मिश्रा, कैमरा ऑपरेटर परीक्षित सहानी, अभिजीत जोशी के रूप में नयाल के पिता, एक विशेष भूमिका में तेज सपूर, अपूर्वा के बॉस के रूप में मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में शिवाजी साटम, राजीव वर्मा, श्री चौधरी के रूप में अपूर्व के पिता गुलजार, खुद के रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करते हुए अतिथि भूमिका में फिल्म में राजदत्त, गिक ग्रेवाल, पुष्पा वर्मा, गीता शंकर, राजेश सिंह, पप्पू भार्गव, धनंजय और दिलावर खान भी हैं। गीत संगीत सभी गाने अनु मलिक द्वारा रचित हैं और जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक और हम तुम, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो, कैसे बताऊँ मैं, इस गाने को नाना पाटेकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन, की टूट गई तड़क करके, इस गाने को सपना अवस्थी और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार, मैं क्या करूं, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच, मैं सोचता हूं तुम्हारी, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः, सनम तुम हम पे मरते हो, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको वजूद मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को
सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। धन्यवाद। वजूद 1998 फिल्म। वजूद अंग्रेजी अस्तित्व 1998 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण एन चंद्रा ने किया है। फिल्म में नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक एन चंद्रा द्वारा लिखित एन चंद्र कमलेश पांडे। संवाद कहानी द्वारा एन चंद्रा द्वारा निर्मित जय श्री एन चंद्र। एन चंद्र अभिनीत नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, राम्या कृष्णन। छायांकन WUV राय द्वारा संपादित प्रशांत खेड़कर। विनोद नायक। संगीत दिया है अनु मलिक। बैकग्राउंड इसको राजू राय द्वारा वितरित एशियाई वीडियो थोक व्यापारी। रिलीज की तारीख 11 दिसंबर 1998। देश भारत। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 9,75,00,000। भूखंड मल्हार नाना पाटेकर, जो एक गरीब टाइपिस्ट किलर के घर पैदा हुआ एक बहुमुखी चरित्र है जो नाटकों में ट्रॉफियां जीतता है, लेकिन उसके पिता द्वारा कभी भी सराहना नहीं की जाती है। अपने कॉलेज में नाटक लिखते और निर्देशित करते समय वह एक बहुत अमीर लड़की अपूर्व माधुरी दीक्षित से मिलता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। जब वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतती है तो वह मल्हार को मंच पर बुलाती है और सारा श्रेय उसे देती है। मल्हार इस इशारे को गलत समझ लेता है कि वह अपूर्वा से प्यार करता है। इस बीच अपूर्व और निहाल मुकुल देव को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। निहाल के पिता, जो एक अमीर नौकरशाह है, उनकी शादी करने का फैसला करते हैं। मल्हार को लगता है कि यह शादी अपूर्वा की मर्जी के खिलाफ है और उसके विरोध में निहाल के पिता की गलती से मौत हो जाती है। मल्हार को जेल भेज दिया गया है। जैसे ही निहाल अपने पिता की मृत्यु के कारण अपनी पहचान और हैसियत खो देता है, अपूर्व के पिता ने निहाल के साथ उसकी सगाई तोड़ दी। जेल में मल्हार अपने दिन अपूर्व के बारे में सोचने, उससे शादी करने, एक बच्चा होने और अपने पिता के साथ खुशी से रहने में बिताता है। सभी एक परिवार में मल्हार जेल से भाग जाता है और फिर गलत तरीकों से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देता है। वह अमीर महिलाओं को बेला फुसलाकर फिर लूटना शुरू कर देता है। उसे सोफिया राम्या कृष्णन में एक साथी मिलता है जो इन अपराधों में उसकी मदद करता है। वह उसे पागलों की तरह प्यार करने लगती है, लेकिन वह अपूर्वा से प्यार करना जारी रखता है। निहाल, जो अब एक पुलिस अधिकारी है, प्यार में अजनबी हत्यारे के रहस्य को समझाने के लिए अब एक पत्रकार अपूर्वा से मिलता है। पुलिस आयुक्त शिवाजी साटा में अपराधी को पकड़ने के लिए स्थानीय राजनीतिक नेता और जनता के बहुत दबाव में है। जब सोफिया को पता चलता है कि मल्हार उससे प्यार नहीं करता लेकिन अपूर्व से प्यार करता है, तो वह बहुत परेशान होती है और खुद को मार लेती है। अंत में जब मल्हार अपूर्वा के सामने आता है तो वह उसे कहती है कि वह उसे कभी प्यार नहीं करती। दिल टूटा हुआ मल्हार फिर पकड़ा जाता है और अंत में नाटकीय रूप से मर जाता है। डालना नाना पाटेकर, मल्हार गोपालदास, अग्निहोत्री और लेखकर मराठी के रूप में अपूर्व चौधरी के रूप में माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, निहाल जोशी के रूप में शालिनी ऑब्लिक सोफिया ऑब्लिक अमीना ट्विंस, ट्रिपल रोल के रूप में राम्या कृष्णन, जॉनी लीवर इंस्पेक्टर रहीम खान के रूप में मल्हार के पिता गोपालदास, रागादास अग्निहोत्री के रूप में डॉक्टर हेमू अधिकारी, श्रीमती अभिजीत जोशी के रूप में सुहास जोशी, जगदीप के रूप में बाघ सिंह, श्रीमती चावला के रूप में कुनिका, कंचन के रूप में संजय मिश्रा, कैमरा ऑपरेटर परीक्षित सहानी, अभिजीत जोशी के रूप में निहाल के पिता, एक विशेष भूमिका में तेज सपूर अपूर्वा के बॉस के रूप में, मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में शिवाजी साटम, राजीव वर्मा, सिंह चौधरी के रूप में अपूर्वा के पिता, गुलजार खुद के रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करते हुए अतिथि भूमिका में
फिल्म में राज दत्त, गिक्की ग्रेवाल, पुष्पा वर्मा, गीता शंकर, राजेश सिंह, पप्पू भार्गव, धनंजय और दिलावर खान भी हैं। गीत संगीत सभी गाने अनु मलिक द्वारा रचित हैं और जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक और हम तुम, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो कैसे बताऊँ मैं, इस गाने को नाना पाटेकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन की टूट गई तड़क करके, इस गाने को सपना अवस्थी और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं क्या करूं, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच मैं सोचता हूं तुम्हारी, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः सनम तुम हम पे मरते हो, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको बजूद मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। धन्यवाद। बजूद 1998 फिल्म। बजूद अंग्रेजी अस्तित्व 1998 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण एन चंद्रा ने किया है। फिल्म में नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक एन चंद्रा द्वारा लिखित एन चंद्र कमलेश पांडे, संवाद कहानी द्वारा एन चंद्रा द्वारा निर्मित जय श्री एन चंद्र, एन चंद्र अभिनीत नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, राम्या कृष्णन, छायांकन WUV राय द्वारा संपादित प्रशांत खेड़कर, विनोद नायक संगीत दिया है अनु मलिक, बैकग्राउंड इसको राजू राय द्वारा वितरित एशियाई वीडियो थोक व्यापारी, रिलीज की तारीख 11 दिसंबर 1998, देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 9,75,00,000, भूखंड मल्हार नाना पाटेकर जो एक गरीब टाइपिस्ट किलर के घर पैदा हुआ एक बहुमुखी चरित्र है जो नाटकों में ट्रॉफियां जीतता है लेकिन उसके पिता द्वारा कभी भी सराहना नहीं की जाती है। अपने कॉलेज में नाटक लिखते और निर्देशित करते समय वह एक बहुत अमीर लड़की अपूर्व माधुरी दीक्षित से मिलता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। जब वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतती है तो वह मल्हार को मंच पर बुलाती है और सारा श्रेय उसे देती है। मल्हार इस इशारे को गलत समझ लेता है कि वह अपूर्वा से प्यार करता है। इस बीच अपूर्व और निहाल मुकुल देव को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। निहाल के पिता जो एक अमीर नौकरशाह है उनकी शादी करने का फैसला करते हैं। मल्हार को लगता है कि यह शादी अपूर्वा की मर्जी के ख़िलाफ़ है और उसके विरोध में निहाल के पिता की गलती से मौत हो जाती है। मल्हार को जेल भेज दिया गया है। जैसे ही निहाल अपने पिता की मृत्यु के कारण अपनी पहचान और हैसियत खो देता है, अपूर्व के पिता ने निहाल के साथ उसकी सगाई तोड़ दी। जेल में मल्हार अपने दिन अपूर्व के बारे में सोचने, उससे शादी करने, एक बच्चा होने और अपने पिता के साथ खुशी से रहने में बिताता है। सभी एक परिवार में
मल्हार जेल से भाग जाता है और फिर गलत तरीकों से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देता है। वह अमीर महिलाओं को बेला फुसलाकर फिर लूटना शुरू कर देता है। उसे सोफिया राम्या कृष्णन में एक साथी मिलता है जो इन अपराधों में उसकी मदद करता है। वह उसे पागलो की तरह प्यार करने लगती है, लेकिन वह अपूर्वा से प्यार करना जारी रखता है। निहाल जो अब एक पुलिस अधिकारी है, प्यार में अजनबी हत्यारे के रहस्य को समझाने के लिए अब एक पत्रकार अपूर्वा से मिलता है। पुलिस आयुक्त शिवाजी साटा में अपराधी को पकड़ने के लिए स्थानीय राजनीतिक नेता और जनता के बहुत दबाव में है। जब सोफिया को पता चलता है कि मल्हार उससे प्यार नहीं करता लेकिन अपूर्व से प्यार करता है, तो वह बहुत परेशान होती है और खुद को मार लेती है। अंत में जब मल्हार अपूर्व के सामने आता है तो वह उसे कहती है कि वह उसे कभी प्यार नहीं करती। दिल टूटा हुआ मल्हार पे पकड़ा जाता है और अंत में नाटकीय रूप से मर जाता है। डालना नाना पाटेकर, मल्हार गोपालदास, अग्निहोत्री और लेखकर मराठी के रूप में अपूर्व चौधरी के रूप में माधुरी दीक्षित, मुकुल देव निहाल जोशी के रूप में शालिनी ओब्लिक सोफिया ओब्लिक अमीना ट्विंस ट्रिपल रोल के रूप में राम्या कृष्णन, जॉनी लीवर इंस्पेक्टर रहीम खान के रूप में मल्हार के पिता गोपालदास, राघव दास अग्निहोत्री के रूप में डॉक्टर हेमू अधिकारी, श्रीमती अभिजीत जोशी के रूप में सुहास जोशी, जगदीप के रूप में बाघ सिंह, श्रीमती चावला के रूप में कुरिका, कंचन के रूप में संजय मिश्रा, कैमरा ऑपरेटर परीक्षित सहानी, अभिजीत जोशी के रूप में निहाल के पिता, एक विशेष भूमिका में तेज सपूर, अपूर्वा के बॉस के रूप में मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में शिवाजी साटम, राजीव वर्मा श्री चौधरी के रूप में अपूर्वा के पिता गुलजार, खुद के रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करते हुए अतिथि भूमिका में फिल्म में राजदत्त, गिक ग्रेवाल, पुष्पा वर्मा, गीता शंकर, राजेश सिंह, पप्पू भार्गव, धनंजय और दिलावर खान भी हैं। गीत संगीत सभी गाने अनु मलिक द्वारा रचित हैं और जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक और हम तुम, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो कैसे बताऊँ मैं, इस गाने को नाना पाटेकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन की टूट गई तड़क करके, इस गाने को सपना अवस्थी और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं क्या करूं, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच मैं सोचता हूं तुम्हारी, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः सनम तुम हम पे मरते हो, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको बजूद मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। धन्यवाद। बजूद 1998 फिल्म बजूद अंग्रेजी अस्तित्व 1998 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण एन चंद्रा ने किया है। फिल्म में नाना पाटेकर,
और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक एन चंद्रा द्वारा लिखित एन चंद्र कमलेश पांडे, संवाद कहानी द्वारा एन चंद्रा द्वारा निर्मित जय श्री एन चंद्र अभिनीत नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, राम्या कृष्णन, छायांकन WUV राय द्वारा संपादित, प्रशांत खेड़कर, विनोद नायक, संगीत दिया है अनु मलिक, बैकग्राउंड इसको राजू राय द्वारा वितरित, एशियाई वीडियो थोक व्यापारी, रिलीज की तारीख 11 दिसंबर 1998, देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 9,75,00,000, भूखंड मल्हार नाना पाटेकर जो एक गरीब टाइपिस्ट किलर के घर पैदा हुआ, एक बहुमुखी चरित्र है जो नाटकों में ट्रॉफियां जीतता है लेकिन उसके पिता द्वारा कभी भी सराहना नहीं की जाती है। अपने कॉलेज में नाटक लिखते और निर्देशित करते समय वह एक बहुत अमीर लड़की अपूर्व माधुरी दीक्षित से मिलता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। जब वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतती है तो वह मल्हार को मंच पर बुलाती है और सारा श्रेय उसे देती है। मल्हार इस इशारे को गलत समझ लेता है कि वह अपूर्वा से प्यार करता है। इस बीच अपूर्व और निहाल मुकुल देव को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। निहाल के पिता जो एक अमीर नौकरशाह है उनकी शादी करने का फैसला करते हैं। मल्हार को लगता है कि यह शादी अपूर्वा की मर्जी के खिलाफ है और उसके विरोध में निहाल के पिता की गलती से मौत हो जाती है। मल्हार को जेल भेज दिया गया है। जैसे ही निहाल अपने पिता की मृत्यु के कारण अपनी पहचान और हैसियत खो देता है, अपूर्व के पिता ने निहाल के साथ उसकी सगाई तोड़ दी। जेल में मल्हार अपने दिन अपूर्व के बारे में सोचने, उससे शादी करने, एक बच्चा होने और अपने पिता के साथ खुशी से रहने में बिताता है। सभी एक परिवार में मल्हार जेल से भाग जाता है और फिर गलत तरीकों से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देता है। वह अमीर महिलाओं को बेला फुसला कर फिर लूटना शुरू कर देता है। उसे सोफिया राम्या कृष्णन में एक साथी मिलता है जो इन अपराधों में उसकी मदद करता है। वह उसे पागलों की तरह प्यार करने लगती है लेकिन वह अपूर्वा से प्यार करना जारी रखता है। निहाल जो अब एक पुलिस अधिकारी है प्यार में अजनबी हत्यारे के रहस्य को समझाने के लिए अब एक पत्रकार अपूर्वा से मिलता है। पुलिस आयुक्त शिवाजी साटा में अपराधी को पकड़ने के लिए स्थानीय राजनीतिक नेता और जनता के बहुत दबाव में है। जब सोफिया को पता चलता है कि मल्हार उससे प्यार नहीं करता लेकिन अपूर्व से प्यार करता है तो वह बहुत परेशान होती है और खुद को मार लेती है। अंत में जब मल्हार अपूर्वा के सामने आता है तो वह उसे कहती है कि वह उसे कभी प्यार नहीं करती। दिल टूटा हुआ मल्हार पे पकड़ा जाता है और अंत में नाटकीय रूप से मर जाता है। डालना नाना पाटेकर, मल्हार गोपालदास, अग्निहोत्री और लेखकर मराठी के रूप में अपूर्व चौधरी के रूप में माधुरी दीक्षित, मुकुल देव निहाल जोशी के रूप में शालिनी ऑब्लिक सोफिया ऑब्लिक अमीना ट्विंस, ट्रिपल रोल के रूप में राम्या कृष्णन, जॉनी लीवर इंस्पेक्टर रहीम खान के रूप में मल्हार के पिता गोपाल दास, राघव दास अग्निहोत्री के रूप में डॉक्टर हेमू अधिकारी, श्रीमती अभिजीत जोशी के रूप में सुहास जोशी, जगदीप के रूप में बॉक्सिंग, श्रीमती चावला के रूप में कुनिका, कंचन के रूप में संजय मिश्रा, कैमरा ऑपरेटर परीक्षित सहानी, अभिजीत जोशी के रूप में निहाल के पिता, एक विशेष भूमिका में तेज सपूर अपूर्वा के बॉस के रूप में, मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में शिवाजी साटम, राजीव वर्मा सिंह चौधरी के रूप में अपूर्व के पिता, गुलजार खुद के रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करते हुए अतिथि भूमिका में फिल्म में राजदत्त, किकी ग्रेवाल, पुष्पा वर्मा, गीता शंकर, राजेश सिंह, पप्पू भार्गव, धनंजय और दिलावर खान भी हैं। गीत संगीत सभी गाने अनु मलिक द्वारा रचित हैं और जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 और हम तुम, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 कैसे बताऊँ मैं, इस गाने को
नाना पाटेकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 की टूट गई तड़क करके, इस गाने को सपना अवस्थी और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैं क्या करूं, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 मैं सोचता हूं तुम्हारी, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 सनम तुम हम पे मरते हो, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको बजूद मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। धन्यवाद। बजूद 1998 फिल्म। बजूद अंग्रेजी अस्तित्व 1998 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण एन चंद्रा ने किया है। फिल्म में नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक एन चंद्रा द्वारा लिखित एन चंद्र कमलेश पांडे, संवाद कहानी द्वारा एन चंद्रा द्वारा निर्मित जयश्री एन चंद्र, एन चंद्र अभिनीत नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, राम्या कृष्णन, छायांकन WUV राय द्वारा संपादित, प्रशांत खेड़कर, विनोद नायक संगीत दिया है, अनु मलिक बैकग्राउंड इसको राजू राय द्वारा वितरित, एशियाई वीडियो थोक व्यापारी। रिलीज की तारीख 11 दिसंबर 1998। देश भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 9,75,00,000। भूखंड मल्हार नाना पाटेकर, जो एक गरीब टाइपिस्ट क्लर्क के घर पैदा हुआ एक बहुमुखी चरित्र है, जो नाटकों में ट्रॉफियां जीतता है लेकिन उसके पिता द्वारा कभी भी सराहना नहीं की जाती है। अपने कॉलेज में नाटक लिखते और निर्देशित करते समय वह एक बहुत अमीर लड़की अपूर्व माधुरी दीक्षित से मिलता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। जब वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतती है तो वह मल्हार को मंच पर बुलाती है और सारा श्रेय उसे देती है। मल्हार इस इशारे को गलत समझ लेता है कि वह अपूर्वा से प्यार करता है। इस बीच अपूर्व और निहाल मुकुल देव को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। निहाल के पिता, जो एक अमीर नौकरशाह है, उनकी शादी करने का फैसला करते हैं। मल्हार को लगता है कि यह शादी अपूर्वा की मर्जी के खिलाफ है और इसके विरोध में निहाल के पिता की गलती से मौत हो जाती है। मल्हार को जेल भेज दिया गया है। जैसे ही निहाल अपने पिता की मृत्यु के कारण अपनी पहचान और हैसियत खो देता है, अपूर्व के पिता ने निहाल के साथ उसकी सगाई तोड़ दी। जेल में मल्हार अपने दिन अपूर्व के बारे में सोचने, उससे शादी करने, एक बच्चा होने और अपने पिता के साथ खुशी से रहने में बिताता है। सभी एक परिवार में मल्हार जेल से भाग जाता है और फिर गलत तरीकों से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देता है। वह अमीर महिलाओं को बेला फुसलाकर फिर लूटना शुरू कर देता है। उसे सोफिया राम्या कृष्णन में एक साथी मिलता है, जो इन अपराधों में उसकी मदद करता है। वह उसे पागलों की तरह प्यार करने लगती है, लेकिन वह अपूर्वा से प्यार करना जारी रखता है।
निहाल जो अब एक पुलिस अधिकारी है, प्यार में अजनबी हत्यारे के रहस्य को समझाने के लिए अब एक पत्रकार अपूर्वा से मिलता है। पुलिस आयुक्त शिवाजी साटा में अपराधी को पकड़ने के लिए स्थानीय राजनीतिक नेता और जनता के बहुत दबाव में है। जब सोफिया को पता चलता है कि मल्हार उससे प्यार नहीं करता लेकिन अपूर्व से प्यार करता है, तो वह बहुत परेशान होती है और खुद को मार लेती है। अंत में जब मल्हार अपूर्व के सामने आता है तो वह उसे कहती है कि वह उसे कभी प्यार नहीं करती। दिल टूटा हुआ मल्हार पे पकड़ा जाता है और अंत में नाटकीय रूप से मर जाता है। डालना नाना पाटेकर, मल्हार, गोपालदास, अग्निहोत्री और लेखकर मराठी के रूप में अपूर्व चौधरी के रूप में माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, निहाल जोशी के रूप में शालिनी ऑब्लिक सोफिया ऑब्लिक अमीना ट्विंस, ट्रिपल रोल के रूप में रामया कृष्णन, जॉनी लीवर इंस्पेक्टर रहीम खान के रूप में मल्हार के पिता गोपालदास, रागादास अग्निहोत्री के रूप में डॉक्टर हेमू अधिकारी, श्रीमती अभिजीत जोशी के रूप में सुहास जोशी, जगदीप के रूप में बाघ सिंह, श्रीमती चावला के रूप में कुनिका, कंचन के रूप में संजय मिश्रा, कैमरा ऑपरेटर परीक्षित सहानी, अभिजीत जोशी के रूप में निहाल के पिता, एक विशेष भूमिका में तेज सपूर, अपूर्वा के बॉस के रूप में मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में शिवाजी साटम, राजीव वर्मा, श्री चौधरी के रूप में अपूर्वा के पिता गुलजार, खुद के रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करते हुए अतिथि भूमिका में फिल्म में राजदत्त, गिक्की ग्रेवाल, पुष्पा वर्मा, गीता शंकर, राजेश सिंह, पप्पू भार्गव, धनंजय और दिलावर खान भी हैं। गीत संगीत सभी गाने अनु मलिक द्वारा रचित हैं और जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक और हम तुम, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो कैसे बताऊँ मैं, इस गाने को नाना पाटेकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन की टूट गई तड़क करके, इस गाने को सपना अवस्थी और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं क्या करूं, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच मैं सोचता हूं तुम्हारी, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः सनम तुम हम पे मरते हो, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको बजूद मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। धन्यवाद। बजूद 1998 फिल्म। बजूद अंग्रेजी अस्तित्व 1998 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण एन चंद्रा ने किया है। फिल्म में नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक एन चंद्रा द्वारा लिखित एन चंद्र कमलेश पांडे, संवाद कहानी द्वारा एन चंद्रा द्वारा निर्मित जय श्री एन चंद्र अभिनीत नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, राम्या कृष्णन, छायांकन WUV राय,
द्वारा संपादित प्रशांत खेड़कर, विनोद नायक, संगीत दिया है अनु मलिक, बैकग्राउंड इसको राजू राय द्वारा वितरित, एशियाई वीडियो थोक व्यापारी, रिलीज की तारीख 11 दिसंबर 1998, देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 9,75,00,000, भूखंड मल्हार नाना पाटेकर, जो एक गरीब टाइपिस्ट किलर के घर पैदा हुआ एक बहुमुखी चरित्र है जो नाटकों में ट्रॉफियां जीतता है लेकिन उसके पिता द्वारा कभी भी सराहना नहीं की जाती है। अपने कॉलेज में नाटक लिखते और निर्देशित करते समय वह एक बहुत अमीर लड़की अपूर्व माधुरी दीक्षित से मिलता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। जब वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतती है तो वह मल्हार को मंच पर बुलाती है और सारा श्रेय उसे देती है। मल्हार इस इशारे को गलत समझ लेता है कि वह अपूर्वा से प्यार करता है। इस बीच अपूर्व और निहाल मुकुल देव को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। निहाल के पिता, जो एक अमीर नौकरशाह है, उनकी शादी करने का फैसला करते हैं। मल्हार को लगता है कि यह शादी अपूर्वा की मर्जी के खिलाफ है और उसके विरोध में निहाल के पिता की गलती से मौत हो जाती है। मल्हार को जेल भेज दिया गया है। जैसे ही निहाल अपने पिता की मृत्यु के कारण अपनी पहचान और हैसियत खो देता है, अपूर्व के पिता ने निहाल के साथ उसकी सगाई तोड़ दी। जेल में मल्हार अपने दिन अपूर्व के बारे में सोचने, उससे शादी करने, एक बच्चा होने और अपने पिता के साथ खुशी से रहने में बिताता है। सभी एक परिवार में मल्हार जेल से भाग जाता है और फिर गलत तरीकों से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देता है। वह अमीर महिलाओं को बेला फुसलाकर फिर लूटना शुरू कर देता है। उसे सोफिया राम्या कृष्णन में एक साथी मिलता है जो इन अपराधों में उसकी मदद करता है। वह उसे पागलों की तरह प्यार करने लगती है लेकिन वह अपूर्वा से प्यार करना जारी रखता है। निहाल, जो अब एक पुलिस अधिकारी है, प्यार में अजनबी हत्यारे के रहस्य को समझाने के लिए अब एक पत्रकार अपूर्वा से मिलता है। पुलिस आयुक्त शिवाजी साटा में अपराधी को पकड़ने के लिए स्थानीय राजनीतिक नेता और जनता के बहुत दबाव में है। जब सोफिया को पता चलता है कि मल्हार उससे प्यार नहीं करता लेकिन अपूर्व से प्यार करता है तो वह बहुत परेशान होती है और खुद को मार लेती है। अंत में जब मल्हार अपूर्वा के सामने आता है तो वह उसे कहती है कि वह उसे कभी प्यार नहीं करती। दिल टूटा हुआ मल्हार फिर पकड़ा जाता है और अंत में नाटकीय रूप से मर जाता है। डालना नाना पाटेकर, मल्हार, गोपालदास, अग्निहोत्री और लेखकर मराठी के रूप में अपूर्व चौधरी के रूप में माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, निहाल जोशी के रूप में शालिनी और लिख सोफिया और लिख अमीना ट्विंस, ट्रिपल रोल के रूप में राम्या कृष्णन, जॉनी लीवर इंस्पेक्टर रहीम खान के रूप में मल्हार के पिता गोपालदास, रागादास, अग्निहोत्री के रूप में डॉक्टर हेमू अधिकारी, श्रीमती अभिजीत जोशी के रूप में सुहास जोशी, जगदीप के रूप में बाघ सिंह, श्रीमती चावला के रूप में कुनिका, कंचन के रूप में संजय मिश्रा, कैमरा ऑपरेटर परीक्षित सहानी, अभिजीत जोशी के रूप में निहाल के पिता, एक विशेष भूमिका में तेज सपूर, अपूर्वा के बॉस के रूप में मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में शिवाजी साटम, राजीव वर्मा, सिंह चौधरी के रूप में अपूर्व के पिता गुलजार, खुद के रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करते हुए अतिथि भूमिका में फिल्म में राजदत्त, गिक्की ग्रेवाल, पुष्पा वर्मा, गीता शंकर, राजेश सिंह, पप्पू भार्गव, धनंजय और दिलावर खान भी हैं। गीत संगीत सभी गाने अनु मलिक द्वारा रचित हैं और जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर 1 और हम तुम, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 कैसे बताऊँ मैं, इस गाने को नाना पाटेकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 की टूट गई तड़क करके, इस गाने को सपना अवस्थी और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैं क्या करूं, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 मैं सोचता हूं तुम्हारी, इस गाने को कुमार शानू
और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 सनम तुम हम पे मरते हो, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बजूद मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। धन्यवाद। बजूद 1998 फिल्म। बजूद अंग्रेजी अस्तित्व 1998 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण एन चंद्रा ने किया है। फिल्म में नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक एन चंद्रा द्वारा लिखित एन चंद्र कमलेश पांडे, संवाद कहानी द्वारा एन चंद्रा द्वारा निर्मित जयश्री एन चंद्र, एन चंद्र अभिनीत नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, राम्या कृष्णन, छायांकन WUV राय द्वारा संपादित प्रशांत खेड़कर, विनोद नायक संगीत दिया है अनु मलिक, बैकग्राउंड इसको राजू राय द्वारा वितरित एशियाई वीडियो थोक व्यापारी। रिलीज की तारीख 11 दिसंबर 1998। देश भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 9,75,00,000। भूखंड मल्हार नाना पाटेकर, जो एक गरीब टाइपिस्ट किलर के घर पैदा हुआ एक बहुमुखी चरित्र है, जो नाटकों में ट्रॉफियां जीतता है लेकिन उसके पिता द्वारा कभी भी सराहना नहीं की जाती है। अपने कॉलेज में नाटक लिखते और निर्देशित करते समय वह एक बहुत अमीर लड़की अपूर्व माधुरी दीक्षित से मिलता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। जब वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतती है तो वह मल्हार को मंच पर बुलाती है और सारा श्रेय उसे देती है। मल्हार इस इशारे को गलत समझ लेता है कि वह अपूर्वा से प्यार करता है। इस बीच अपूर्व और निहाल, मुकुल देव को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। निहाल के पिता, जो एक अमीर नौकरशाह है, उनकी शादी करने का फैसला करते हैं। मल्हार को लगता है कि यह शादी अपूर्वा की मर्जी के खिलाफ है और उसके विरोध में निहाल के पिता की गलती से मौत हो जाती है। मल्हार को जेल भेज दिया गया है। जैसे ही निहाल अपने पिता की मृत्यु के कारण अपनी पहचान और हैसियत खो देता है, अपूर्व के पिता ने निहाल के साथ उसकी सगाई तोड़ दी। जेल में मल्हार अपने दिन अपूर्व के बारे में सोचने, उससे शादी करने, एक बच्चा होने और अपने पिता के साथ खुशी से रहने में बिताता है। सभी एक परिवार में मल्हार जेल से भाग जाता है और फिर गलत तरीकों से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देता है। वह अमीर महिलाओं को बेला फुसलाकर फिर लूटना शुरू कर देता है। उसे सोफिया राम्या कृष्णन में एक साथी मिलता है, जो इन अपराधों में उसकी मदद करता है। वह उसे पागलों की तरह प्यार करने लगती है, लेकिन वह अपूर्वा से प्यार करना जारी रखता है। निहाल, जो अब एक पुलिस अधिकारी है, प्यार में अजनबी हत्यारे के रहस्य को समझाने के लिए अब एक पत्रकार अपूर्वा से मिलता है। पुलिस आयुक्त शिवाजी साटा में अपराधी को पकड़ने के लिए स्थानीय राजनीतिक नेता और जनता के बहुत दबाव में है। जब सोफिया को पता चलता है कि मल्हार उससे प्यार नहीं करता लेकिन अपूर्व से प्यार करता है,
तो वह बहुत परेशान होती है और खुद को मार लेती है। अंत में जब मल्हार अपूर्वा के सामने आता है तो वह उसे कहती है कि वह उसे कभी प्यार नहीं करती। दिल टूटा हुआ मल्हार पे पकड़ा जाता है और अंत में नाटकीय रूप से मर जाता है। डालना नाना पाटेकर, मल्हार गोपालदास, अग्निहोत्री और लेखकर मराठी के रूप में अपूर्व चौधरी के रूप में माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, निहाल जोशी के रूप में शालिनी ऑब्लिक सोफिया ऑब्लिक अमीना ट्विंस, ट्रिपल रोल के रूप में रामया कृष्णन, जॉनी लीवर इंस्पेक्टर रहीम खान के रूप में मल्हार के पिता गोपालदास, रागादास अग्निहोत्री के रूप में डॉक्टर हेमू अधिकारी, श्रीमती अभिजीत जोशी के रूप में सुहास जोशी, जगदीप के रूप में बाघ सिंह, श्रीमती चावला के रूप में कुनिका, कंचन के रूप में संजय मिश्रा, कैमरा ऑपरेटर परीक्षित सहानी, अभिजीत जोशी के रूप में निहाल के पिता, एक विशेष भूमिका में तेज सपूर, अपूर्वा के बॉस के रूप में मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में शिवाजी साटम, राजीव वर्मा, श्री चौधरी के रूप में अपूर्व के पिता गुलजार, खुद के रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करते हुए अतिथि भूमिका में फिल्म में राजदत्त, गिक्की ग्रेवाल, पुष्पा वर्मा, गीता शंकर, राजेश सिंह, पप्पू भार्गव, धनंजय और दिलावर खान भी हैं। गीत संगीत सभी गाने अनु मलिक द्वारा रचित हैं और जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक और हम तुम, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो कैसे बताऊँ मैं, इस गाने को नाना पाटेकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन की टूट गई तड़क करके, इस गाने को सपना अवस्थी और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं क्या करूं, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच मैं सोचता हूं तुम्हारी, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः सनम तुम हम पे मरते हो, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको बजूद मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। धन्यवाद। बजूद 1998 फिल्म बजूद अंग्रेजी अस्तित्व 1998 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण एन चंद्रा ने किया है। फिल्म में नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक एन चंद्रा द्वारा लिखित एन चंद्र कमलेश पांडे, संवाद कहानी द्वारा एन चंद्रा द्वारा निर्मित जय श्री एन चंद्र, एन चंद्र अभिनीत नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, रामया कृष्णन, छायांकन WUV राय द्वारा संपादित प्रशांत खेड़कर, विनोद नायक, संगीत दिया है अनु मलिक, बैकग्राउंड इसको राजू राय द्वारा वितरित एशियाई वीडियो थोक व्यापारी, रिलीज की तारीख 11 दिसंबर 1998, देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 9 करोड़ 75 लाख।
भूखंड मल्हार नाना पाटेकर, जो एक गरीब टाइपिस्ट क्लर्क के घर पैदा हुआ एक बहुमुखी चरित्र है, जो नाटकों में ट्रॉफियां जीतता है लेकिन उसके पिता द्वारा कभी भी सराहना नहीं की जाती है। अपने कॉलेज में नाटक लिखते और निर्देशित करते समय वह एक बहुत अमीर लड़की अपूर्व माधुरी दीक्षित से मिलता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। जब वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतती है तो वह मल्हार को मंच पर बुलाती है और सारा श्रेय उसे देती है। मल्हार इस इशारे को गलत समझ लेता है कि वह अपूर्वा से प्यार करता है। इस बीच अपूर्व और निहाल मुकुल देव को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। निहाल के पिता, जो एक अमीर नौकरशाह है, उनकी शादी करने का फैसला करते हैं। मल्हार को लगता है कि यह शादी अपूर्वा की मर्जी के ख़िलाफ़ है और उसके विरोध में निहाल के पिता की गलती से मौत हो जाती है। मल्हार को जेल भेज दिया गया है। जैसे ही निहाल अपने पिता की मृत्यु के कारण अपनी पहचान और हैसियत खो देता है, अपूर्व के पिता ने निहाल के साथ उसकी सगाई तोड़ दी। जेल में मल्हार अपने दिन अपूर्व के बारे में सोचने, उससे शादी करने, एक बच्चा होने और अपने पिता के साथ खुशी से रहने में बिताता है। सभी एक परिवार में मल्हार जेल से भाग जाता है और फिर गलत तरीकों से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देता है। वह अमीर महिलाओं को बेला फुसलाकर फिर लूटना शुरू कर देता है। उसे सोफिया राम्या कृष्णन में एक साथी मिलता है, जो इन अपराधों में उसकी मदद करता है। वह उसे पागलों की तरह प्यार करने लगती है लेकिन वह अपूर्वा से प्यार करना जारी रखता है। निहाल, जो अब एक पुलिस अधिकारी है, प्यार में अजनबी हत्यारे के रहस्य को समझाने के लिए अब एक पत्रकार अपूर्वा से मिलता है। पुलिस आयुक्त शिवाजी साटा में अपराधी को पकड़ने के लिए स्थानीय राजनीतिक नेता और जनता के बहुत दबाव में है। जब सोफिया को पता चलता है कि मल्हार उससे प्यार नहीं करता लेकिन अपूर्व से प्यार करता है, तो वह बहुत परेशान होती है और खुद को मार लेती है। अंत में जब मल्हार अपूर्वा के सामने आता है तो वह उसे कहती है कि वह उसे कभी प्यार नहीं करती। दिल टूटा हुआ मल्हार फिर पकड़ा जाता है और अंत में नाटकीय रूप से मर जाता है। डालना नाना पाटेकर, मल्हार, गोपालदास, अग्निहोत्री और लेखकर मराठी के रूप में अपूर्व चौधरी के रूप में माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, निहाल जोशी के रूप में शालिनी ऑब्लिक सोफिया ऑब्लिक अमीना ट्विंस, ट्रिपल रोल के रूप में राम्या कृष्णन, जॉनी लीवर इंस्पेक्टर रहीम खान के रूप में मल्हार के पिता गोपालदास, राघव दास अग्निहोत्री के रूप में डॉक्टर हेमू अधिकारी, श्रीमती अभिजीत जोशी के रूप में सुहास जोशी, जगदीप के रूप में बाघ सिंह, श्रीमती चावला के रूप में कुरेखा, कंचन के रूप में संजय मिश्रा, कैमरा ऑपरेटर परीक्षित सहानी, अभिजीत जोशी के रूप में निहाल के पिता, एक विशेष भूमिका में तेज सपूर, अपूर्वा के बॉस के रूप में मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में शिवाजी साटम, राजीव वर्मा, श्री चौधरी के रूप में अपूर्वा के पिता गुलजार, खुद के रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करते हुए अतिथि भूमिका में फिल्म में राजदत्त, गिक ग्रेवाल, पुष्पा वर्मा, गीता शंकर, राजेश सिंह, पप्पू भार्गव, धनंजय और दिलावर खान भी हैं। गीत संगीत सभी गाने अनु मलिक द्वारा रचित हैं और जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक और हम तुम, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो कैसे बताऊँ मैं, इस गाने को नाना पाटेकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन की टूट गई तड़क करके, इस गाने को सपना अवस्थी और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं क्या करूं, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच मैं सोचता हूं तुम्हारी, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः सनम तुम हम पे मरते हो, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बजूद मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। धन्यवाद। बजूद 1998 फिल्म। बजूद अंग्रेजी अस्तित्व 1998 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण एन चंद्रा ने किया है। फिल्म में नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक एन चंद्रा द्वारा लिखित एन चंद्र कमलेश पांडे, संवाद कहानी द्वारा एन चंद्रा द्वारा निर्मित जयश्री एन चंद्र, एन चंद्र अभिनीत नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, राम्या कृष्णन, छायांकन WUV राय द्वारा संपादित प्रशांत खेड़कर, विनोद नायक संगीत दिया है अनु मलिक, बैकग्राउंड इसको राजू राय द्वारा वितरित एशियाई वीडियो थोक व्यापारी। रिलीज की तारीख 11 दिसंबर 1998। देश भारत। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 9,75,00,000। भूखंड मल्हार नाना पाटेकर, जो एक गरीब टाइपिस्ट किलर के घर पैदा हुआ एक बहुमुखी चरित्र है जो नाटकों में ट्रॉफियां जीतता है, लेकिन उसके पिता द्वारा कभी भी सराहना नहीं की जाती है। अपने कॉलेज में नाटक लिखते और निर्देशित करते समय वह एक बहुत अमीर लड़की अपूर्व माधुरी दीक्षित से मिलता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। जब वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतती है तो वह मल्हार को मंच पर बुलाती है और सारा श्रेय उसे देती है। मल्हार इस इशारे को गलत समझ लेता है कि वह अपूर्वा से प्यार करता है। इस बीच अपूर्व और निहाल मुकुल देव को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। निहाल के पिता, जो एक अमीर नौकरशाह है, उनकी शादी करने का फैसला करते हैं। मल्हार को लगता है कि यह शादी अपूर्वा की मर्जी के खिलाफ है और उसके विरोध में निहाल के पिता की गलती से मौत हो जाती है। मल्हार को जेल भेज दिया गया है। जैसे ही निहाल अपने पिता की मृत्यु के कारण अपनी पहचान और हैसियत खो देता है, अपूर्व के पिता ने निहाल के साथ उसकी सगाई तोड़ दी। जेल में मल्हार अपने दिन अपूर्व के बारे में सोचने, उससे शादी करने, एक बच्चा होने और अपने पिता के साथ खुशी से रहने में बिताता है। सभी एक परिवार में मल्हार जेल से भाग जाता है और फिर गलत तरीकों से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देता है। वह अमीर महिलाओं को बेला फुसला कर फिर लूटना शुरू कर देता है। उसे सोफिया राम्या कृष्णन में एक साथी मिलता है जो इन अपराधों में उसकी मदद करता है। वह उसे पागलों की तरह प्यार करने लगती है, लेकिन वह अपूर्वा से प्यार करना जारी रखता है। निहाल, जो अब एक पुलिस अधिकारी है, प्यार में अजनबी हत्यारे के रहस्य को समझाने के लिए अब एक पत्रकार अपूर्वा से मिलता है। पुलिस आयुक्त शिवाजी साटा में अपराधी को पकड़ने के लिए स्थानीय राजनीतिक नेता और जनता के बहुत दबाव में है। जब सोफिया को पता चलता है कि मल्हार उससे प्यार नहीं करता लेकिन अपूर्व से प्यार करता है, तो वह बहुत परेशान होती है और खुद को मार लेती है। अंत में जब मल्हार अपूर्वा के सामने आता है तो वह उसे कहती है कि वह उसे कभी प्यार नहीं करती। दिल टूटा हुआ मल्हार पे पकड़ा जाता है और अंत में नाटकीय रूप से मर जाता है। डालना नाना पाटेकर, मल्हार, गोपाल दास अग्निहोत्री और लेखक मराठी के रूप में
अपूर्व चौधरी के रूप में माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, निहाल जोशी के रूप में शालिनी ओब्लिक सोफिया ओब्लिक अमीना ट्विंस, ट्रिपल रोल के रूप में रामया कृष्णन, जॉनी लीवर इंस्पेक्टर रहीम खान के रूप में मरहार के पिता गोपाल दास, राघव दास अग्निहोत्री के रूप में डॉक्टर हेमू अधिकारी, श्रीमती अभिजीत जोशी के रूप में सुहास जोशी, जगदीप के रूप में बॉक्सिंग, श्रीमती चावला के रूप में कुनिका, कंचन के रूप में संजय मिश्रा, कैमरा ऑपरेटर परीक्षित सहानी, अभिजीत जोशी के रूप में निहाल के पिता एक विशेष भूमिका में तेज सपूर, अपूर्वा के बॉस के रूप में मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में शिवाजी साटम, राजीव वर्मा, श्री चौधरी के रूप में अपूर्व के पिता गुलजार, खुद के रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करते हुए अतिथि भूमिका में फिल्म में राजदत्त, गिक्की ग्रेवाल, पुष्पा वर्मा, गीता शंकर, राजेश सिंह, पप्लू भार्गव, धनंजय और दिलावर खान भी हैं। गीत संगीत सभी गाने अनु मलिक द्वारा रचित हैं और जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक और हम तुम, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो कैसे बताऊँ मैं, इस गाने को नाना पाटेकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन की टूट गई तड़क करके, इस गाने को सपना अवस्थी और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं क्या करूं, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच मैं सोचता हूं तुम्हारी, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः सनम तुम हम पे मरते हो, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको बजूद मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। धन्यवाद। बजूद 1998 फिल्म। बजूद अंग्रेजी अस्तित्व 1998 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण एन चंद्रा ने किया है। फिल्म में नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक एन चंद्रा द्वारा लिखित एन चंद्र कमलेश पांडे, संवाद कहानी द्वारा एन चंद्रा द्वारा निर्मित जय श्री एन चंद्र, एन चंद्र अभिनीत नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, राम्या कृष्णन, छायांकन WUV राय द्वारा संपादित, प्रशांत खेड़कर, विनोद नायक संगीत दिया है, अनु मलिक बैकग्राउंड इसको राजू राय द्वारा वितरित, एशियाई वीडियो थोक व्यापारी, रिलीज की तारीख 11 दिसंबर 1998, देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 9,75,00,000, भूखंड मल्हार नाना पाटेकर जो एक गरीब टाइपिस्ट किलर के घर पैदा हुआ एक बहुमुखी चरित्र है जो नाटकों में ट्रॉफियां जीतता है लेकिन उसके पिता द्वारा कभी भी सराहना नहीं की जाती है। अपने कॉलेज में नाटक लिखते और निर्देशित करते समय वह एक बहुत अमीर लड़की अपूर्व माधुरी दीक्षित से मिलता है और
उसके प्यार में पागल हो जाता है। जब वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतती है तो वह मल्हार को मंच पर बुलाती है और सारा श्रेय उसे देती है। मल्हार इस इशारे को गलत समझ लेता है कि वह अपूर्वा से प्यार करता है। इस बीच अपूर्व और निहाल मुकुल देव को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। निहाल के पिता, जो एक अमीर नौकर शाह है, उनकी शादी करने का फैसला करते हैं। मल्हार को लगता है कि यह शादी अपूर्वा की मर्जी के खिलाफ है और उसके विरोध में निहाल के पिता की गलती से मौत हो जाती है। मल्हार को जेल भेज दिया गया है। जैसे ही निहाल अपने पिता की मृत्यु के कारण अपनी पहचान और हैसियत खो देता है, अपूर्व के पिता ने निहाल के साथ उसकी सगाई तोड़ दी। जेल में मल्हार अपने दिन अपूर्व के बारे में सोचने, उससे शादी करने, एक बच्चा होने और अपने पिता के साथ खुशी से रहने में बिताता है। सभी एक परिवार में मल्हार जेल से भाग जाता है और फिर गलत तरीकों से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देता है। वह अमीर महिलाओं को बेला फुसला कर फिर लूटना शुरू कर देता है। उसे सोफिया राम्या कृष्णन में एक साथी मिलता है जो इन अपराधों में उसकी मदद करता है। वह उसे पागलों की तरह प्यार करने लगती है, लेकिन वह अपूर्वा से प्यार करना जारी रखता है। निहाल, जो अब एक पुलिस अधिकारी है, प्यार में अजनबी हत्यारे के रहस्य को समझाने के लिए अब एक पत्रकार अपूर्वा से मिलता है। पुलिस आयुक्त शिवाजी साटामी अपराधी को पकड़ने के लिए स्थानीय राजनीतिक नेता और जनता के बहुत दबाव में है। जब सोफिया को पता चलता है कि मल्हार उससे प्यार नहीं करता लेकिन अपूर्व से प्यार करता है, तो वह बहुत परेशान होती है और खुद को मार लेती है। अंत में जब मल्हार अपूर्व के सामने आता है तो वह उसे कहती है कि वह उसे कभी प्यार नहीं करती। दिल टूटा हुआ मल्हार फिर पकड़ा जाता है और अंत में नाटकीय रूप से मर जाता है। डालना नाना पाटेकर, मल्हार गोपालदास, अग्निहोत्री और लेखकर मराठी के रूप में अपूर्व चौधरी के रूप में माधुरी दीक्षित, मुकुल देव निहाल जोशी के रूप में शालिनी और लिख सोफिया और लिख अमीना ट्विंस, ट्रिपल रोल के रूप में राम्या कृष्णन, जॉनी लीवर इंस्पेक्टर रहीम खान के रूप में मल्हार के पिता गोपालदास, रागादास अग्निहोत्री के रूप में डॉक्टर हेमू अधिकारी, श्रीमती अभिजीत जोशी के रूप में सुहास जोशी, जगदीप के रूप में बाघ सिंह, श्रीमती चावला के रूप में कुनिका, कंचन के रूप में संजय मिश्रा, कैमरा ऑपरेटर परीक्षित सहानी, अभिजीत जोशी के रूप में निहाल के पिता, एक विशेष भूमिका में तेज सपूर, अपूर्वा के बॉस के रूप में मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में शिवाजी साटम, राजीव वर्मा, सिंह चौधरी के रूप में अपूर्व के पिता गुलजार, खुद के रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करते हुए अतिथि भूमिका में फिल्म में राजदत्त, गिक्की ग्रेवाल, पुष्पा वर्मा, गीता शंकर, राजेश सिंह, पप्पू भार्गव, धनंजय और दिलावर खान भी हैं। गीत संगीत सभी गाने अनु मलिक द्वारा रचित हैं और जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक और हम तुम, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो, कैसे बताऊँ मैं, इस गाने को नाना पाटेकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन, की टूट गई तड़क करके, इस गाने को सपना अवस्थी और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार, मैं क्या करूं, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच, मैं सोचता हूं तुम्हारी, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः, सनम तुम हम पे मरते हो, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले
हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको वजूद मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। धन्यवाद। वजूद 1998 फिल्म। वजूद अंग्रेजी अस्तित्व 1998 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण एन चंद्रा ने किया है। फिल्म में नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक एन चंद्रा द्वारा लिखित एन चंद्र कमलेश पांडे, संवाद कहानी द्वारा एन चंद्रा द्वारा निर्मित जयश्री एन चंद्र, एन चंद्र अभिनीत नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, राम्या कृष्णन, छायांकन WUV राय द्वारा संपादित प्रशांत खेड़कर, विनोद नायक, संगीत दिया है अनु मलिक, बैकग्राउंड स्कोर राजू राय द्वारा वितरित एशियाई वीडियो थोक व्यापारी। रिलीज की तारीख 11 दिसंबर 1998। देश भारत। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 9,75,00,000। भूखंड मल्हार नाना पाटेकर, जो एक गरीब टाइपिस्ट किलर के घर पैदा हुआ एक बहुमुखी चरित्र है, जो नाटकों में ट्रॉफियां जीतता है लेकिन उसके पिता द्वारा कभी भी सराहना नहीं की जाती है। अपने कॉलेज में नाटक लिखते और निर्देशित करते समय वह एक बहुत अमीर लड़की अपूर्व माधुरी दीक्षित से मिलता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। जब वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतती है तो वह मल्हार को मंच पर बुलाती है और सारा श्रेय उसे देती है। मल्हार इस इशारे को गलत समझ लेता है कि वह अपूर्वा से प्यार करता है। इस बीच अपूर्व और निहाल मुकुल देव को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। निहाल के पिता, जो एक अमीर नौकरशाह है, उनकी शादी करने का फैसला करते हैं। मल्हार को लगता है कि यह शादी अपूर्वा की मर्जी के खिलाफ है और उसके विरोध में निहाल के पिता की गलती से मौत हो जाती है। मल्हार को जेल भेज दिया गया है। जैसे ही निहाल अपने पिता की मृत्यु के कारण अपनी पहचान और हैसियत खो देता है, अपूर्व के पिता ने निहाल के साथ उसकी सगाई तोड़ दी। जेल में मल्हार अपने दिन अपूर्व के बारे में सोचने, उससे शादी करने, एक बच्चा होने और अपने पिता के साथ खुशी से रहने में बिताता है। सभी एक परिवार में मल्हार जेल से भाग जाता है और फिर गलत तरीकों से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देता है। वह अमीर महिलाओं को बेला फुसला कर फिर लूटना शुरू कर देता है। उसे सोफिया राम्या कृष्णन में एक साथी मिलता है, जो इन अपराधों में उसकी मदद करता है। वह उसे पागलों की तरह प्यार करने लगती है, लेकिन वह अपूर्वा से प्यार करना जारी रखता है। निहाल, जो अब एक पुलिस अधिकारी है, प्यार में अजनबी हत्यारे के रहस्य को समझाने के लिए अब एक पत्रकार अपूर्वा से मिलता है। पुलिस आयुक्त शिवाजी साटा में अपराधी को पकड़ने के लिए स्थानीय राजनीतिक नेता और जनता के बहुत दबाव में है। जब सोफिया को पता चलता है कि मल्हार उससे प्यार नहीं करता लेकिन अपूर्व से प्यार करता है, तो वह बहुत परेशान होती है और खुद को मार लेती है। अंत में जब मल्हार अपूर्वा के सामने आता है तो वह उसे कहती है कि वह उसे कभी प्यार नहीं करती। दिल टूटा हुआ मल्हार फिर पकड़ा जाता है और अंत में नाटकीय रूप से मर जाता है। डालना नाना पाटेकर, मल्हार गोपालदास, अग्निहोत्री और लेखकर मराठी के रूप में अपूर्व चौधरी के रूप में माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, निहाल जोशी के रूप में शालिनी ऑब्लिक सोफिया ऑब्लिक अमीना ट्विंस, ट्रिपल रोल के रूप में राम्या कृष्णन, जॉनी लीवर इंस्पेक्टर रहीम खान के रूप में मल्हार के पिता गोपाल दास, राघव दास अग्निहोत्री के रूप में डॉक्टर हेमू अधिकारी, श्रीमती अभिजीत जोशी के रूप में सुहास जोशी,
जगदीप के रूप में बॉक्सिंग, श्रीमती चावला के रूप में पुनिका, कंचन के रूप में संजय मिश्रा, कैमरा ऑपरेटर परीक्षित सहानी, अभिजीत जोशी के रूप में निहाल के पिता, एक विशेष भूमिका में तेज सपूर, अपूर्वा के बॉस के रूप में, मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में शिवाजी साटम, राजीव वर्मा, श्री चौधरी के रूप में अपूर्व के पिता गुलजार, खुद के रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करते हुए अतिथि भूमिका में फिल्म में राजदत्त, गिक्की ग्रेवाल, पुष्पा वर्मा, गीता शंकर, राजेश सिंह, पप्पू भार्गव, धनंजय और दिलावर खान भी हैं। गीत संगीत सभी गाने अनु मलिक द्वारा रचित हैं और जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक और हम तुम, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो कैसे बताऊँ मैं, इस गाने को नाना पाटेकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन की टूट गई तड़क करके, इस गाने को सपना अवस्थी और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं क्या करूं, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच मैं सोचता हूं तुम्हारी, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः सनम तुम हम पे मरते हो, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको बजूद मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। धन्यवाद। बजूद 1998 फिल्म। बजूद अंग्रेजी अस्तित्व 1998 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण एन चंद्रा ने किया है। फिल्म में नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक एन चंद्रा द्वारा लिखित एन चंद्र कमलेश पांडे, संवाद कहानी द्वारा एन चंद्रा द्वारा निर्मित जय श्री एन चंद्र, एन चंद्र अभिनीत नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, राम्या कृष्णन, छायांकन WUV राय द्वारा संपादित प्रशांत खेड़कर, विनोद नायक संगीत दिया है अनु मलिक, बैकग्राउंड इसको राजू राय द्वारा वितरित एशियाई वीडियो थोक व्यापारी, रिलीज की तारीख 11 दिसंबर 1998, देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 9,75,00,000, भूखंड मल्हार नाना पाटेकर जो एक गरीब टाइपिस्ट किलर के घर पैदा हुआ एक बहुमुखी चरित्र है जो नाटकों में ट्रॉफियां जीतता है लेकिन उसके पिता द्वारा कभी भी सराहना नहीं की जाती है। अपने कॉलेज में नाटक लिखते और निर्देशित करते समय वह एक बहुत अमीर लड़की अपूर्व माधुरी दीक्षित से मिलता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। जब वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतती है तो वह मल्हार को मंच पर बुलाती है और सारा श्रेय उसे देती है। मल्हार इस इशारे को गलत समझ लेता है कि वह अपूर्वा से प्यार करता है। इस बीच अपूर्व और निहाल मुकुल देव को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। निहाल के पिता जो एक अमीर नौकरशाह है उनकी शादी करने का फैसला करते हैं।
मल्हार को लगता है कि यह शादी अपूर्वा की मर्जी के खिलाफ है और उसके विरोध में निहाल के पिता की गलती से मौत हो जाती है। मल्हार को जेल भेज दिया गया है। जैसे ही निहाल अपने पिता की मृत्यु के कारण अपनी पहचान और हैसियत खो देता है, अपूर्व के पिता ने निहाल के साथ उसकी सगाई तोड़ दी। जेल में मल्हार अपने दिन अपूर्व के बारे में सोचने, उससे शादी करने, एक बच्चा होने और अपने पिता के साथ खुशी से रहने में बिताता है। सभी एक परिवार में मल्हार जेल से भाग जाता है और फिर गलत तरीकों से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देता है। वह अमीर महिलाओं को बेला फुसलाकर फिर लूटना शुरू कर देता है। उसे सोफिया राम्या कृष्णन में एक साथी मिलता है जो इन अपराधों में उसकी मदद करता है। वह उसे पागलों की तरह प्यार करने लगती है, लेकिन वह अपूर्वा से प्यार करना जारी रखता है। निहाल, जो अब एक पुलिस अधिकारी है, प्यार में अजनबी हत्यारे के रहस्य को समझाने के लिए अब एक पत्रकार अपूर्वा से मिलता है। पुलिस आयुक्त शिवाजी साटा में अपराधी को पकड़ने के लिए स्थानीय राजनीतिक नेता और जनता के बहुत दबाव में है। जब सोफिया को पता चलता है कि मल्हार उससे प्यार नहीं करता लेकिन अपूर्व से प्यार करता है, तो वह बहुत परेशान होती है और खुद को मार लेती है। अंत में जब मल्हार अपूर्वा के सामने आता है तो वह उसे कहती है कि वह उसे कभी प्यार नहीं करती। दिल टूटा हुआ मल्हार फिर पकड़ा जाता है और अंत में नाटकीय रूप से मर जाता है। डालना नाना पाटेकर, मल्हार, गोपालदास, अग्निहोत्री और लेखकर मराठी के रूप में अपूर्व चौधरी के रूप में माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, निहाल जोशी के रूप में शालिनी ऑब्लिक सोफिया ऑब्लिक अमीना ट्विंस, ट्रिपल रोल के रूप में राम्या कृष्णन, जॉनी लीवर इंस्पेक्टर रहीम खान के रूप में मल्हार के पिता गोपालदास, रागादास अग्निहोत्री के रूप में डॉक्टर हेमू अधिकारी, श्रीमती अभिजीत जोशी के रूप में सुहास जोशी, जगदीप के रूप में बाघ सिंह, श्रीमती चावला के रूप में कुरेखा, कंचन के रूप में संजय मिश्रा, कैमरा ऑपरेटर परीक्षित सहानी, अभिजीत जोशी के रूप में निहाल के पिता, एक विशेष भूमिका में तेज सपूर, अपूर्वा के बॉस के रूप में मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में शिवाजी साटम, राजीव वर्मा, श्री चौधरी के रूप में अपूर्वा के पिता गुलजार, खुद के रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करते हुए अतिथि भूमिका में फिल्म में राजदत्त, गिक्की ग्रेवाल, पुष्पा वर्मा, गीता शंकर, राजेश सिंह, पप्लू भार्गव, धनंजय और दिलावर खान भी हैं। गीत संगीत सभी गाने अनु मलिक द्वारा रचित हैं और जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक और हम तुम, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो कैसे बताऊँ मैं, इस गाने को नाना पाटेकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन की टूट गई तड़क करके, इस गाने को सपना अवस्थी और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं क्या करूं, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच मैं सोचता हूं तुम्हारी, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः सनम तुम हम पे मरते हो, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको
बजूद मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। धन्यवाद। बजूद 1998 फिल्म। बजूद अंग्रेजी अस्तित्व 1998 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण एन चंद्रा ने किया है। फिल्म में नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक एन चंद्रा द्वारा लिखित एन चंद्र कमलेश पांडे। संवाद कहानी द्वारा एन चंद्रा द्वारा निर्मित जय श्री एन चंद्र। एन चंद्र अभिनीत नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, राम्या कृष्णन। छायांकन WUV राय द्वारा संपादित प्रशांत खेड़कर। विनोद नायक संगीत दिया है अनु मलिक। बैकग्राउंड इसको राजू राय द्वारा वितरित एशियाई वीडियो थोक व्यापारी। रिलीज की तारीख 11 दिसंबर 1998। देश भारत। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 9,75,00,000। भूखंड मल्हार नाना पाटेकर, जो एक गरीब टाइपिस्ट किलर के घर पैदा हुआ एक बहुमुखी चरित्र है जो नाटकों में ट्रॉफियां जीतता है लेकिन उसके पिता द्वारा कभी भी सराहना नहीं की जाती है। अपने कॉलेज में नाटक लिखते और निर्देशित करते समय वह एक बहुत अमीर लड़की अपूर्व माधुरी दीक्षित से मिलता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। जब वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतती है तो वह मल्हार को मंच पर बुलाती है और सारा श्रेय उसे देती है। मल्हार इस इशारे को गलत समझ लेता है कि वह अपूर्वा से प्यार करता है। इस बीच अपूर्व और निहाल मुकुल देव को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। निहाल के पिता, जो एक अमीर नौकरशाह है, उनकी शादी करने का फैसला करते हैं। मल्हार को लगता है कि यह शादी अपूर्वा की मर्जी के खिलाफ है और उसके विरोध में निहाल के पिता की गलती से मौत हो जाती है। मल्हार को जेल भेज दिया गया है। जैसे ही निहाल अपने पिता की मृत्यु के कारण अपनी पहचान और हैसियत खो देता है, अपूर्व के पिता ने निहाल के साथ उसकी सगाई तोड़ दी। जेल में मल्हार अपने दिन अपूर्व के बारे में सोचने, उससे शादी करने, एक बच्चा होने और अपने पिता के साथ खुशी से रहने में बिताता है। सभी एक परिवार में मल्हार जेल से भाग जाता है और फिर गलत तरीकों से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देता है। वह अमीर महिलाओं को बेला फुसलाकर फिर लूटना शुरू कर देता है। उसे सोफिया राम्या कृष्णन में एक साथी मिलता है जो इन अपराधों में उसकी मदद करता है। वह उसे पागलों की तरह प्यार करने लगती है लेकिन वह अपूर्वा से प्यार करना जारी रखता है। निहाल, जो अब एक पुलिस अधिकारी है, प्यार में अजनबी हत्यारे के रहस्य को समझाने के लिए अब एक पत्रकार अपूर्वा से मिलता है। पुलिस आयुक्त शिवाजी साटा में अपराधी को पकड़ने के लिए स्थानीय राजनीतिक नेता और जनता के बहुत दबाव में है। जब सोफिया को पता चलता है कि मल्हार उससे प्यार नहीं करता लेकिन अपूर्व से प्यार करता है तो वह बहुत परेशान होती है और खुद को मार लेती है। अंत में जब मल्हार अपूर्वा के सामने आता है तो वह उसे कहती है कि वह उसे कभी प्यार नहीं करती। दिल टूटा हुआ मल्हार फिर पकड़ा जाता है और अंत में नाटकीय रूप से मर जाता है। डालना नाना पाटेकर, मल्हार गोपालदास, अग्निहोत्री और लेखकर मराठी के रूप में अपूर्व चौधरी के रूप में माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, निहाल जोशी के रूप में शालिनी ऑब्लिक सोफिया ऑब्लिक अमीना, ट्विंस ट्रिपल रोल के रूप में राम्या कृष्णन, जॉनी लीवर इंस्पेक्टर रहीम खान के रूप में मल्हार के पिता गोपाल दास, राघव दास अग्निहोत्री के रूप में डॉक्टर हेमू अधिकारी, श्रीमती अभिजीत जोशी के रूप में सुहास जोशी, जगदीप के रूप में बाघ सिंह, श्रीमती चावला के रूप में कुरेखा कंचन के रूप में संजय मिश्रा, कैमरा ऑपरेटर परीक्षित सहानी, अभिजीत जोशी के रूप में निहाल के पिता, एक विशेष भूमिका में तेज सपूर, अपूर्वा के बॉस के रूप में मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में शिवाजी साटम, राजीव वर्मा, श्री चौधरी के रूप में अपूर्व के पिता,
गुलजार खुद के रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करते हुए अतिथि भूमिका में फिल्म में राजदत्त, गिक्की ग्रेवाल, पुष्पा वर्मा, गीता शंकर, राजेश सिंह, पप्पू भार्गव, धनंजय और दिलावर खान भी हैं। गीत संगीत सभी गाने अनु मलिक द्वारा रचित हैं और जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक और हम तुम, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो कैसे बताऊँ मैं, इस गाने को नाना पाटेकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन की टूट गई तड़क करके, इस गाने को सपना अवस्थी और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं क्या करूं, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच मैं सोचता हूं तुम्हारी, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः सनम तुम हम पे मरते हो, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किसके रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको बजूद मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। धन्यवाद। बजूद 1998 फिल्म। बजूद अंग्रेजी अस्तित्व 1998 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण एन चंद्रा ने किया है। फिल्म में नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक एन चंद्रा द्वारा लिखित एन चंद्र कमलेश पांडे, संवाद कहानी द्वारा एन चंद्रा द्वारा निर्मित जय श्री एन चंद्र अभिनीत नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, मुकुल देव, राम्या कृष्णन, छायांकन WUV राय द्वारा संपादित प्रशांत खेड़कर, विनोद नायक संगीत दिया है अनु मलिक, बैकग्राउंड इसको राजू राय द्वारा वितरित एशियाई वीडियो थोक व्यापारी, रिलीज की तारीख 11 दिसंबर 1998, देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस 9,75,00,000, भूखंड मल्हार नाना पाटेकर जो एक गरीब टाइपिस्ट किलर के घर पैदा हुआ एक बहुमुखी चरित्र है जो नाटकों में ट्रॉफियां जीतता है लेकिन उसके पिता द्वारा कभी भी सराहना नहीं की जाती है। अपने कॉलेज में नाटक लिखते और निर्देशित करते समय वह एक बहुत अमीर लड़की अपूर्व माधुरी दीक्षित से मिलता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। जब वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतती है तो वह मल्हार को मंच पर बुलाती है और सारा श्रेय उसे देती है। मल्हार इस इशारे को गलत समझ लेता है कि वह अपूर्वा से प्यार करता है। इस बीच अपूर्व और निहाल, मुकुल देव को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। निहाल के पिता जो एक अमीर नौकरशाह है उनकी शादी करने का फैसला करते हैं। मल्हार को लगता है कि यह शादी अपूर्वा की मर्जी के खिलाफ है और इसके विरोध में निहाल के पिता की गलती से मौत हो जाती है। मल्हार को जेल भेज दिया गया है। जैसे ही निहाल अपने पिता की मृत्यु के कारण अपनी पहचान और हैसियत खो देता है, अपूर्व के पिता ने निहाल के साथ उसकी सगाई तोड़ दी।
जेल में मल्हार अपने दिन अपूर्व के बारे में सोचने, उससे शादी करने, एक बच्चा होने और अपने पिता के साथ खुशी से रहने में बिताता है। सभी एक परिवार में मल्हार जेल से भाग जाता है और फिर गलत तरीकों से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देता है। वह अमीर महिलाओं को बेला फुसलाकर फिर लूटना शुरू कर देता है। उसे सोफिया राम्या कृष्णन में एक साथी मिलता है जो इन अपराधों में उसकी मदद करता है। वह उसे पागलों की तरह प्यार करने लगती है, लेकिन वह अपूर्वा से प्यार करना जारी रखता है। निहाल, जो अब एक पुलिस अधिकारी है, प्यार में अजनबी हत्यारे के रहस्य को समझाने के लिए अब एक पत्रकार अपूर्वा से मिलता है। पुलिस आयुक्त शिवाजी साटा में अपराधी को पकड़ने के लिए स्थानीय राजनीतिक नेता और जनता के बहुत दबाव में है। जब सोफिया को पता चलता है कि मल्हार उससे प्यार नहीं करता लेकिन अपूर्व से प्यार करता है, तो वह बहुत परेशान होती है और खुद को मार लेती है। अंत में जब मल्हार अपूर्व के सामने आता है तो वह उसे कहती है कि वह उसे कभी प्यार नहीं करती। दिल टूटा हुआ मल्हार फिर पकड़ा जाता है और अंत में नाटकीय रूप से मर जाता है। डालना नाना पाटेकर, मल्हार गोपालदास, अग्निहोत्री और लेखकर मराठी के रूप में अपूर्व चौधरी के रूप में माधुरी दीक्षित, मुकुल देव निहाल जोशी के रूप में शालिनी और लेख सोफिया और लेख अमीना ट्विंस ट्रिपल रोल के रूप में राम्या कृष्णन, जॉनी लीवर इंस्पेक्टर रहीम खान के रूप में मल्हार के पिता गोपालदास, रागादास अग्निहोत्री के रूप में डॉक्टर हेमू अधिकारी, श्रीमती अभिजीत जोशी के रूप में सुहास जोशी, जगदीप के रूप में बाघ सिंह, श्रीमती चावला के रूप में कुनिका, कंचन के रूप में संजय मिश्रा, कैमरा ऑपरेटर परीक्षित सहानी, अभिजीत जोशी के रूप में निहाल के पिता, एक विशेष भूमिका में तेज सपूर, अपूर्वा के बॉस के रूप में मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में शिवाजी साटम, राजीव वर्मा, सिंह चौधरी के रूप में अपूर्व के पिता गुलजार, खुद के रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करते हुए अतिथि भूमिका में फिल्म में राजदत्त, गिक्की ग्रेवाल, पुष्पा वर्मा, गीता शंकर, राजेश सिंह, पप्पू भार्गव, धनंजय और दिलावर खान भी हैं। गीत संगीत सभी गाने अनु मलिक द्वारा रचित हैं और जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए हैं। गाना नंबर एक और हम तुम, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो कैसे बताऊँ मैं, इस गाने को नाना पाटेकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन की टूट गई तड़क करके, इस गाने को सपना अवस्थी और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार मैं क्या करूं, इस गाने को अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच मैं सोचता हूं तुम्हारी, इस गाने को कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः सनम तुम हम पे मरते हो, इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।